नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च की तारीख को तय कर दी है। 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च की तारीख तय कर दी है। हालांकि फाइनल तारीख अभी तय नहीं हुई है। बुधवार को इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और सारे टेस्ट पूरी हो जाने के बाद लॉन्चिंग की सही तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पर्यवेक्षण यान GSLV Mark III रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसरो के प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी थी कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीकी में बदलाव किया गया है, यानी चंद्रयान 2 वाली गलतियां इस बार नहीं होगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तकनीक को नए तरीके से बनाया गया है। इस बार इसरो ने मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट्स की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोपेलेंट मॉड्यूल लैंडर और रोवर को तब तक ले जाएगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में ना हो जाए। आपको बता दें कि अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफलता होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। याद करने वाली बात है कि इससे पहले 7 सितंबर 2019 को भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था तब लैंडर विक्रम से उसका संपर्क टूट गया था। अभी तक की सबसे बड़ी खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही पल पल की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए B2B न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट पर जरूर दें। सतर्क रहें, अलर्ट रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।